योगगुरु स्वामी रामदेव ने नागरिकता संशोधन कानून और कुछ जगहों पर इसके खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर खुलकर राय जाहिर की। उन्होंने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि वो इस तरह के आंदोलन से दूर रहें, इस तरह आजादी के नारे लगाना ठीक नहीं। लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी कई दिनों से महिलाएं तक धरने में बैठी हुई हैं। आपको लगता है कि सरकार बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं, लेकिन उसके बाद भी सब कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है क्योंकि इससे नागरिकता जाने का खतरा बना हुआ है। जब किसी कानून में किसी की नागरिकता छीनने के लिए एक लाइन तो बहुत दूर की बात है, एक अक्षर नहीं है, तो ये कौन से ज्योतिषी आ गए नए किस्म के जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि इससे नागरिकता चली जाएगी। दूसरी बात कि ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। यदि किसी हिंदू की, स्वामी रामदेव की या अशोक सिंघल की या किसी हिंदू की नागरिकता यदि छिन सकती है तो मुसलमान की भी छिन जाएगी भाई। और कोई देश के नेता में, किसी राजनीतिक दल में ये दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता छीन ले। क्या सारी संस्थाएं खत्म होगी? हाँ, ऐसे कौन किसकी नागरिकता छीन लेगा।